अब जो हमारी जो लास्ट क्लास में हमने सेवन टेक्निक्स पे से हमारी सिक्स टेक्निक्स हो गई थी, ये सब बच्चे क्यों लीव कर रहे हैं? सबको नहीं लीव करना, जिनको दो बच्चों को बोला मैंने सिर्फ। ओके लास्ट टेक्निक हम करने जा। हाँ जी बेटा, और कौन है? सर मेरा भी टेस्ट है। हाँ नहीं, अब सबके टेस्ट है, अब कुछ नहीं, अब 10 मिनट बाद है टेस्ट, अब कोई टेस्ट नहीं है, 10 मिनट बाद देना टेस्ट, बहुत हो गया टेस्ट, चलो। ओके सच में नहीं सच्ची में, मैं भी सच्ची कह रहा हूँ बेटा, मैं ऐसे लीव नहीं करने दे रहा क्लास के बिना बात में, लीव करो 10। ओके अब हम शुरू करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वर्क। बेटा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, जितने हमने अभी तक टेक्निक की है उससे थोड़ा सा ज्यादा समझने वाली है, इसलिए मैंने आज इसको डेफर किया। एक्चुअली में ये दो टेक्निक्स है, पहले का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क और दूसरे का नाम है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में ये एक ही हेडिंग के अंडर आती है, इसलिए हम इसको एक हेडिंग की तरह पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे समझेंगे दो तरीकों से, लेकिन आपको हमेशा लिख के आनी है S1। पहला नाम है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, पूरा समझते हैं अच्छे से। अभी आपको कोई नोट्स नहीं ओपन करने, कोई कुछ नहीं करना, जितने बच्चों के वीडियोस ऑफ है पहले तो आप ये ऑन कर लिए। क्रिश हो गए, दिवांश, क्रिश, जतिन, रिया, मनन, नंदिनी, सब बच्चे, अर्चित, स्नेहा, बस मनकीरत का चलो। ओके तो बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो प्रोडक्शन कंपनी है, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो तरीका होता है कि आप उसमें स्टैंडर्ड की मशीन्स यूज करो। स्टैंडर्ड की मशीन्स हो सकती है, जैसे आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हम अपनी कंपनी में सिर्फ इंपोर्टेड मशीन्स को यूज करेंगे, मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गई, लोग हो गए, कि हमारी कंपनी में जो लोग आएंगे उनकी ये उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रॉ मटेरियल्स के हिसाब से हो सकता है कि हमारी कंपनी में जो भी रॉ मटेरियल यूज होंगे वो हमें इसी वेंडर से लेंगे, इन वेंडर्स से लेंगे, या वेंडर्स की आप क्लास बता सकते हैं। तो एक तो तरीका होता है कि आप स्टैंडर्ड की चीजें यूज करें, और एक होता है कि आप कुछ भी आप स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज करें और आप बस अपनी प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान दीजिए और आप सब स्टैंडर्ड का चीजें यूज करें, ठीक है। अब क्या होएगा अगर हम स्टैंडर्ड की चीजें यूज करेंगे, अगर हम स्टैंडर्ड की मशीन यूज करेंगे, स्टैंडर्ड के मटीरियल यूज करेंगे, स्टैंडर्ड के लोगों को यूज करेंगे, तो उससे क्या होएगा? उससे फायदा क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी और वेस्टेजेस कम होगी। तो हमारे टेलर साहब ने इसी चीज के ऊपर फोकस किया। टेलर ने बोला, सुनना एक एक वर्ड को सुनना, ठीक है, नोट्स मत ओपन करना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क क्या है? उसने कहा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे जितने भी काम होते हैं, जितने भी काम, मतलब लोगों को रिक्रूट करना एक काम है, रॉ मटेरियल्स खरीदना एक काम है, मशीन्स परचेज करना एक काम है, सामान बेचना एक काम है, वर्किंग कंडीशंस को मैनेज करना एक काम है, कोई भी चीज, हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट करिए, हर चीज का स्टैंडर्ड सेट करिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट, अभी आप याद नहीं करना, अभी आप सिर्फ सुनो। दीज कैन बी स्टैंडर्ड्स, उसने ब्रॉडली कहा तीन चीजों के स्टैंडर्ड्स, किस किस के? लोगों के। लोगों का मतलब क्या हुआ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करेंगे उनके मिनिमम ये क्वालिफिकेशन या ये एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। ये मैंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया कि मेरी कंपनी में कोई भी ऐसा आलतू फालतू नहीं आएगा, मेरी कंपनी में ये लोग सेट है, ये ही लोग काम करेंगे, ये स्टैंडर्ड हो गया मेन का। फिर बात करते हैं मटीरियल्स का। मटीरियल का स्टैंडर्ड हो सकता है कि हम जिनसे सामान लेंगे, जो हमारे रॉ मटीरियल वेंडर्स होंगे, उनको मतलब उनकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, हमारे क्वालिटी का, मटीरियल की क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट कर। एंड तीसरा मशीन का, कि हम मशीन, हर चीज की मशीन देखो, इंडियन मेड भी आती है, इम्पोर्टेड भी आती है, इंडियन में भी बहुत लोग बनाने वाले हैं, इम्पोर्टेड में भी बहुत लोग बनाने वाले हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारे को किस लेवल का स्टैंडर्ड सेट करना है और हमारे को कहाँ से सामान लेना है। तो हमें तीन चीजों का स्टैंडर्ड बोला गया, मैन, मटीरियल एंड मशीन, ठीक है। फिर उसने तीसरी लाइन बोली कि ये जो स्टैंडर्ड आप सेट करोगे, ये जो आप स्टैंडर्ड सेट करोगे, इससे ये बेंचमार्क बनेंगे। बेंचमार्क का क्या मतलब होता है? कि बेस है, मतलब ये तो इसके ऊपर हो सकता है, क्योंकि कभी भी इन स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाना, इन स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मिनिमम मिनिमम ये तो फॉलो करना ही करना है। दीज स्टैंडर्ड्स विल एक्ट एज बेंचमार्क्स व्हिच मस्ट बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसने बोला कि अगर टेलर ने बोला अगर आप पहले बहुत से प्रोडक्ट्स बनाते थे जो कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के थे, तो उनकी जगह अब नए प्रोडक्ट्स बनाओ जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के हो, ठीक है, समझ में आई बात? अगर आप पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते थे जो कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के थे, तो अब आप कम प्रोडक्ट्स बनाओ लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटी के बनाओ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बेटा आपके घर के बाहर एक चाइनीज वैन खड़ी है, ठीक है, होती है घर के बाहर कहीं ना कहीं, वो चाइनीज में इतने आइटम्स दे देते हैं, 10 किस्म के सूप,
10 किस्म के सिजलर, 10 किस्म के नूडल्स, 10 किस्म के एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप हल्दीराम में जाते हो, हल्दीराम का जो मेन्यू है वो बहुत लिमिटेड है। उनके सूप में सिर्फ 2 या 3 सूप है, उनके जो नूडल्स है सिर्फ 2 या 3 किस्म के नूडल्स है, सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी भी आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ इंडियन में भी थोड़े 2-3 डिशेज है, चाइनीज में भी 2-3 डिशेज है, लेकिन वो सारी डिशेज अपने आप में बहुत अच्छी है। ना कोई कॉम्प्रोमाइज विद द स्टैंडर्ड्स, ना कोई कॉम्प्रोमाइज विद द टेस्ट, ना ही किसी तरीके की हाइजीन, कोई भी कॉम्प्रोमाइज। मतलब आपको अगर अच्छी चीज डिलीवर करनी है तो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप बहुत सारा तभी बना सकते हो जब आप सब स्टैंडर्ड्स की चीजें यूज करो। तो उसने बोला अगर आप बहुत सी वैरायटी देते हो लेकिन वो सब स्टैंडर्ड की है तो इट इज बेटर कि आप कम वैरायटी दो लेकिन स्टैंडर्ड की। समझ में आ गया आपको? चार चीजें समझ में आई। मैं पहले 4 पॉइंट रिपीट करता हूं। सबसे पहले उसने बोला स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मींस सेटिंग बिजनेस स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? सेकंड, दिस कैन बी, देयर कैन बी स्टैंडर्ड्स फॉर मेन, लोगों के, मटेरियल के और मशीन। 2 पॉइंट। तीसरा, ये जो स्टैंडर्ड्स हुए गए, बेटा नोट्स में नहीं देखना, ये बेंचमार्क बनेंगे। बेंचमार्क मतलब दे मस्ट बी फॉलोड, इसके ऊपर हो सकता है इसके नीचे नहीं जाना। चौथा पॉइंट उसने बोला, इट इंप्लाइज डेवलपिंग न्यू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉन स्टैंडर्ड। तो अगर आप पहले नॉन स्टैंडर्ड बनाते थे उसको छोड़ो और नए बनाओ। अब उसने इसके 4 ऑब्जेक्टिव बताए, इस टेक्निक के 4 ऑब्जेक्टिव बताए। यहां देखिएगा स्क्रीन पे, प्लीज डू नॉट ओपन योर नोट। 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या बताए उसने स्टैंडर्डाइजेशन के। सबसे पहले तो उसने बोला ऑब्जेक्टिव कि सबसे पहले टू एस्टैब्लिश, हमें क्या एस्टैब्लिश करना है, टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन मटीरियल्स। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोगों को इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को पता है ये जैसे एक सफल पता है, सफल एक ब्रांड है, मदर डेयरी जैसे है वैसे एक सफल ब्रांड है जो मदर डेयरी का ही वेजिटेबल सेगमेंट है, पता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, तो जब मैं अपने इनिशियल ईयर्स में था सीए के, तो मैंने सफल का ऑडिट किया। उस सफल के ऑडिट में मैं, जब हम कभी ऑडिट करने जाते हैं ना, किसी चीज का ऑडिट करते हैं, तो पहले हम उसके बिजनेस को समझते हैं कि आपके बिजनेस कैसे किस तरीके से ऑपरेट होता है। ये इट्स अ जनरल प्रैक्टिस। तो आप में से भी बहुत बच्चे आगे सीए बनोगे तो आपको भी पता होना चाहिए। तो मैं उनके ऑडिट में गया तो उन्होंने बोला चलो हम आपको थोड़ा अपना बिजनेस समझाते हैं। कहा चलो बताओ। तो वो मुझे अपने ले गए जहां उनका स्टोरेज था वेयर हाउस का। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि हर सब्जी के, चाहे वो टमाटो हो या अनियन कुछ भी हो, उसके 3 सेगमेंट होते थे, कैटेगरी ए, बी एंड सी। तो फिर मैं उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये क्या है, मतलब किस बेसिस पे आपने कर रखा। तो उन्होंने कहा कि एज पर द, मतलब जो क्लास है, जो जिनको हम सेल करते हैं उसके हिसाब से हमने, क्वालिटी के हिसाब से हमने उसको वो किया। तो मुझे ना अपने को बड़ा घमंड था, मेरे को लगता था मैं बड़ा पीतमपुरा में रहता हूँ, मैं बड़ा पॉश एरिया में रहता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको समझाया, मैंने तो उसको बोला कि यार ये जो मतलब ये जो हमारी वो है सी कैटेगरी है, ये कैटेगरी किसकी होती है, ये मेरे को तो लग रहा था हमारे लिए तो यही आपकी होगी। तो उसने बोला सर ये जो सी कैटेगरी है ना, ये आपके नॉर्थ दिल्ली में पीतमपुरा वगैरह में जाती है। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मेरे को लगा ये क्या बोल रहा है, मैं तो अपने आपको समझता था कि मैं सबसे पॉश एरिया में रहता हूँ आज तक। फिर उसने मेरे वो कहते ना, मैं आंख को मुझसे जो आगे जो पड़ता था वो हटाया, कहता सर ये जो आपके यहाँ पे आते हैं ये सी कैटेगरी आती है, जो हमारी सबसे लीस्ट क्वालिटी है। मैंने कहा अच्छा चलो भाई ठीक है कोई नहीं। फिर मैंने कहा ये बी कैटेगरी कहाँ जाती है, मेरे को लगा बी कैटेगरी कहाँ जाती होगी, क्योंकि मेरे को अभी भी अपने ऊपर भरोसा है कि हम ही सबसे पॉश है। कहता नहीं सर ये बी कैटेगरी आपकी जाती है साउथ दिल्ली की साइड हो गया, जैसे जीके वगैरह हो गया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेरे को भी यकीन, मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ चलो ठीक है इन लोगों से कंपेरिजन है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर उस मैंने कहा फिर ये ए कैटेगरी कहाँ जाती है, तो उसने बोला कि सर ये ए कैटेगरी जाती है 5-स्टार होटल्स वगैरह। अब इससे पॉइंट क्या समझ आया, आप मैं किसी, मतलब मैं किसी का नाम है सच नहीं खराब करा, लेकिन आपके घर के साथ जो ढाबा या वो है होटल है रेस्टोरेंट है, वो जाके सब्जी लेते हैं रात को 10 बजे के बाद, जब सारी सारी की सारी गली सब्जियां पड़ी है, गंदी सब्जियां पड़ी है, और जो उनको 40 की सब्जी 10 रुपए 20 रुपए के किलो के हिसाब से मिलती है। एंड दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस, ऐसे ही होता है। आपके लोगों के घर के साथ जो बहुत अच्छा चलता है रेस्टोरेंट है ना, वो भी ऐसा करता है। लेकिन 5-स्टार रेस्टोरेंट ऐसा, 5-स्टार मेड जो रेस्टोरेंट है वो ऐसा नहीं कर सकता। मतलब एक देखिए कि दाल बनाने के लिए या जो भी सब्जी है उसके लिए जो वो रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं वो भी दी बेस्ट ले रहे हैं, दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। उनके तो नंबर 1 शेफ्स है, आप उनको कबाड़ भी दोगे वो तो उसको ऐसी गार्निशिंग करके बढ़िया बना देंगे, लेकिन नो दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग
विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ द रॉ मटेरियल। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा, टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन मटेरियल्स। पहला पॉइंट समझ में आया, क्लियर है? अब आते हैं सेकेंड, टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मेन एंड मशीन, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मेन एंड मशीन। मतलब हमें ये देखना है कि जो हमारे लोग होंगे और जो हमारी मशीन्स होएगी उनको कैसे परफॉर्म करना है, क्या उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर उसके नीचे है तो हम उन लोगों को या उन मशीन्स को अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे। आगे चलते हैं, तीसरा उन्होंने बोला टू एलिमिनेट टू रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, टू रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हुआ अगर आप पहले बहुत ज्यादा बनाते हो सब स्टैंडर्ड, तो आप कम बनाइए स्टैंडर्ड। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी, टू एस्टैब्लिश, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इस पॉइंट के ऊपर दो बार बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है, टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये मैं आपको समझाऊंगा, ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, इस लाइन का मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों मान लीजिए आप ना बहुत सारी वैरायटी बना रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की, लेट अस से मोबाइल फोन आप बनाते हो, बहुत सारी वैरायटीज बना रहे हो और सारी सब स्टैंडर्ड है, ठीक है? तो होएगा क्या कि एक मॉडल में जो चीज लग रही है वो सिर्फ उसके लिए ही है, वो दूसरे मॉडल में नहीं लग पाएगी, ठीक है, तीसरे मॉडल में नहीं लग पाएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपने रिसर्च करके, बहुत रिसर्च करके एक स्टैंडर्ड की बैटरी तैयार की और अब वो जो बैटरी है वो आपकी इस तरीके से आपने डेवलप करी है कि वो 10 मॉडल में लग सकती है, तो एक बात बताइए ये कंपनी के लिए यूजफुल साबित होएगा कि नुकसानदायक साबित होएगा? पहले तो ये जो दो बहनें हैं ना तनिषा और भव्या की, कुछ तो चक्कर चल रहा है, क्या बात है, कुछ जोक है क्या? हमारे साथ भी शेयर कर लो, थोड़ा सा 5 मिनट का बचा है, 5-7 मिनट का, फिर आप कर लेना अच्छे खासा अपना। हाँ बताइए कि अगर मैं एक कंपनी है वो बहुत रिसर्च के बाद एक ऐसी बैटरी तैयार करती है जो उसके 10 मॉडल में लग सकती है, तो इससे उस कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी कि कम होगी, बताइए, सोच के बताइए, उससे उसके उसके कॉस्ट कम होगी कि बढ़ेगी, ये बताइए, कॉस्ट कम होगी कि बढ़ेगी? कॉस्ट कम हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि उसको अब एक ही बैटरी, एक ही टाइप की बैटरी वो 10 मॉडल्स में सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो ये क्या बोला गया है, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा बोला है कि अगर कंपनी स्टैंडर्ड की चीजें यूज करेगी तो वो ऐसे रॉ मटेरियल्स, ऐसे पार्ट्स बना सकते हैं जिनको हम इंटरचेंज कर सके डिफरेंट मॉडल्स में, जिससे कंपनी की कॉस्ट कम हो। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल देता हूँ, कंपनी है मारुति ने इस तरीके का बहुत रिसर्च करके स्टैंडर्ड का गियर बॉक्स, पता है ना गियर बॉक्स क्या होता है, गियर बॉक्स सिस्टम तैयार किया जो उसके 4 मॉडल में लग जाता है, सियाज में लग जाता है और भी जो उसकी गाड़ियां है डिजायर में लग जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे कितना उसका काम बचेगा, कितनी उसकी कॉस्ट बचेगी कि उसकी डेवलपमेंट हो गई एक बार, अब उसको इंटरचेंज कर सकता है सब में। लेकिन अगर मान लीजिए सब स्टैंडर्ड का है तो उसको और उसने हर के लिए अलग अलग बना रखा है, तो उसकी अगर मतलब इंटरचेंज करने की वो कोशिश करे कभी तो वो नहीं कर पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ स्टैंडर्डाइजेशन का, टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाइए जिनको हम एक दूसरे मॉडल्स में उसको रिवॉल्व कर सकते। समझ में आया बच्चों, क्लियर है? अब एक बार पूरी टेक्निक को मैं बोलता हूँ, आप सुनिएगा, उसके बाद हम रीड करेंगे इसको। सब 5 पॉइंट है, सुनिएगा पहले, अभी नोट से नहीं यहाँ ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, टू सिंपली स्टैंडर्डाइजेशन मींस टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट ये डेफिनेशन होगी। दूसरा पॉइंट, देयर कैन बी स्टैंडर्ड्स ऑफ मेन मटीरियल एंड मशीन, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, दीज स्टैंडर्ड्स विल एक्ट एज बेंचमार्क दैट मस्ट बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। चौथा पॉइंट, it employs developing new varieties instead of existing ones. नई नई varieties बनाइए और पुरानी वाली को discard करिए अगर वो substandard की थी। And fifth point, the objective of standardization are as follows. इसमें हमारे 4 objective होते हैं। पहला, to establish standards of performance of men and material machines, to establish standards of excellence in quality and material, to establish interchangeability of parts and products, and lastly, to reduce given line of work. बताइए समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट है क्योंकि 3:10 हो चुकी है और मुझे एक इसी की टेक्निक और करानी है, इसलिए मैं अभी सीधा इसको रीड करते हैं, इसको मैं आपसे बोलवा नहीं रहा और लिखवा नहीं रहा। तो आइए कम टू पेज नंबर 2.7 पे।
2.7 पे आइए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट। डेफिनेशन को मार्क करिए, इधर लिखिए डेफिनेशन है। इट कैन बी स्टैंडर्ड्स ऑफ मशीनरी, मेन, मेथड्स और वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन कैसी होगी उसके भी स्टैंडर्ड हो सकते हैं। जैसे आप हल्दीराम वगैरह में देखते हो, बीकानेर वगैरह में जाते हो, जो अच्छे आउटलेट्स है वहां पर उनका चार्ट लगा हुआ होता है कि ये जो अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको भी इस तरीके की वर्किंग कंडीशन रखनी है। तो मैकडोनल्ड्स में आप देखते हो वहां पर अलग अलग जगह पर रखा हुआ होता है कि आपको किस तरीके से। अच्छा, आप अभी अगर आप कभी मेट्रो की साइड से के पास से निकलते हो, मेट्रो जहाँ बन रही है, तो वहां पर भी उनका वर्किंग कंडीशन होती है कि आपको ये जो भी वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं उनको हार्नेस हमेशा लगा के रखना है, उनको सेफ्टी बेल्ट हमेशा पहन के रखनी है। दीज आर वर्किंग कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट, दीज स्टैंडर्ड्स विल एक्ट एज बेंचमार्क। अंडरलाइन द टर्म बेंचमार्क, व्हिच विल मस्ट बी एडहर्ड टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन। एडहर्ड मतलब फॉलो। स्टैंडर्डाइजेशन इंप्लाइज डिवाइसिंग मतलब डेवलपिंग, डिवाइसिंग मतलब डेवलपिंग न्यू वैरायटीज इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस। तो पुरानी की जगह पे नई बनाना। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स इसके चार हैं, ठीक है? पहले हम चारों पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक नंबर क्वेश्चन में आ जाए कि ऑब्जेक्टिव कौन सा, मतलब वन मार्क में आ जाए ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक, तो आपको कौन सा लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चार ऑब्जेक्टिव है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आ जाते हैं एमसीक्यूज में और फिर पूछा जाता है विच टेक्निक इज हाईलाइटेड इन दिस अबव क्वेश्चन। ओके, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अंडरलाइन करिए रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। Next, to establish standards of excellence and quality in material, underline करिए standards of excellence and quality. दूसरा, standards of performance of men and machines, underline करिए standards of performance. And lastly, establish इस line को, तो बेटा पूरी line को most important mark करो, D part को, to establish interchangeability of manufactured parts and products. अब सुनो, इस वाले पार्ट के ऊपर मैं दो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको, कहीं पे केस स्टडीज वो देखो आप कहाँ लिखोगे, नोट्स में ही, रजिस्टर में नहीं, नोट्स में ही लिखनी है। दो क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, ये बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप लिखिए। पहला लिखिए, कोई भी ले लो, वीवो लिमिटेड अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर developed a pack of battery after due research, which can be, Krish Arora ji likho, kyun nahi likh rahe ho, which can be used in its different models of mobile phones. Full stop. Which technique of scientific management is highlighted over here? So, आपका आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन। और कैसे पता चला? To establish interchangeability of manufactured parts and products. आगे क्लियर? मैं एक ऐसा क्वेश्चन में, बस उन्होंने क्या किया था, दो पार्ट, मतलब दो अलग अलग सेट में उन्होंने प्रोडक्ट बदल दिया था। जैसे दूसरा प्रोडक्ट बना लिया दैट मारुति उद्योग, जैसे लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मारुति उद्योग डेवलप्ड अ गियर बॉक्स सिस्टम, विच can be used in its five models of cars, तो क्या ऐसे उन्होंने प्रोडक्ट चेंज कर दिए थे? एक ही साल का क्वेश्चन है ये, प्रोडक्ट चेंज कर दिए, ठीक है? तो इसका भी आंसर क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चों एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि टेक्निक आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्या है इस टेक्निक का, तो आप इसका आंसर लिखिए, अगर वन मार्क में आते हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क इज टू सेट स्टैंडर्ड्स, फॉर
फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर बच्चों टाइम हो आपके पास, ठीक है, तो उसके बाद आप लिख के आएंगे इन द ऑर्गेनाइजेशन फुल स्टॉप. द अदर ऑब्जेक्टिव्स आर, ये चारों आप लिख के आओगे अगर टाइम हो. मेन आप वो लिख के आओगे वन मार्क, ठीक है, क्लियर हो गया ये चारों एबीसीडी, क्लियर है. अब आइए जल्दी से सिंपलीफिकेट करना. हाँ जी, अगर आपका वन मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क इज टू डेवलप, इज टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. टाइम आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो, दो मिनट और लगा सकते हो, तो आप ये एबीसीडी भी लिख के आओगे नीचे. द अदर ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलोज. बच्चों आप एक बार सिंप्लीफिकेशन समझते हैं क्या है, छोटी सी है, फिर ये देखेंगे कि सर अगर क्वेश्चन में आता है और हमें लग रहा है कि क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो स्टैंडर्डाइजेशन की हो रही है, तो हम कैसे आंसर लिख के आएंगे, या सिंप्लीफिकेशन की हो रही है तो कैसे लिख के आएंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में तो एक ही टेक्निक है, तो इसको कैसे लिख के आएंगे वो भी बताते हैं. बेटा स्टैंडर्डाइजेशन में क्या बात हुई, दो मिनट लगेंगे बस, कि आप अगर ज्यादा बना रहे हो तो कम बनाओ लेकिन स्टैंडर्ड का बनाओ, यही बात हो रही है. अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, नो ऑफेंस टू सैमसंग मोबाइल, ठीक है, आप में से काफी बच्चों के पास सैमसंग होएंगे, नो ऑफेंस, लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि सैमसंग वाला कितने फोन निकाल देते हैं, नोट वन, नोट टू, नोट थ्री, नोट फोर, चैम्प वन, चैम्प टू, चैम्प थ्री, चैम्प फोर, क्या उनमें कोई नोटिसिबल फर्क होता है? एक मिनट रुको, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, आईफोन के दो तीन साल को, पिछले दो तीन साल को छोड़ दो, पिछले दो तीन साल में तो ये गलती कर रहे हैं, आईफोन वाले भी ये गलती कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करो जब तक 6, 7, 8 मॉडल तक थे, तो 4 के बाद दो साल बाद या एक डेढ़ दो साल बाद 5 आया, और हम सबको पता था कि 4 में क्या नहीं है जो 5 में था या है, और उसके बाद 5 के बाद बहुत टाइम बाद 6 आया, और हमको सबको पता था कि 6 में क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, नोटिसिबल डिफरेंस थे. तो इन्होंने कहा कि अगर आप ज्यादा बनाते हो तो कम बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जिनमें नोटिसिएबल फर्क हो. तो आप देखो ये टेक्निक दोनों की बेसलाइन क्या है, ज्यादा बनाने का कोई फायदा नहीं है, कम बनाओ, लेकिन दोनों की जो बेसिस है वो अलग है. स्टैंडर्डाइजेशन में बोला कि कम बनाओ बट स्टैंडर्ड का बनाओ, और इसमें कह रहे हैं कि आप कम बनाओ लेकिन नोटिसेबल फर्क हो, ये नहीं कि सिर्फ वेरिएंट्स के वजह से वेरिएंट्स निकाले जा रहे हो कि बस हमें वेरिएंट्स निकालते हैं. तो सैमसंग के सारे वेरिएंट्स जो है वो अच्छे फोन है, वो सब स्टैंडर्ड के है, लेकिन क्या एक बात बताओ, नोट वन, नोट टू, थ्री, इतने वेरिएंट्स निकालने की कोई फायदा है कि पता ही नहीं चले कस्टमर को कि इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या है. तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मींस टू एलिमिनेट, बड़ी सिंपल लाइन, अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. आई रिपीट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मींस टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. इट मींस टू एलिमिनेट सुपरफ्लॉस साइजेस, डाइमेंशंस एंड प्रोडक्ट्स. सुपरफ्लॉस मतलब क्या हुआ, ऊपर ऊपर से. जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए तो अक्षत ने पूछा दुकानदार से, भैया सैमसंग चैम्प 2 में क्या नहीं है जो, सॉरी सैमसंग चैम्प 2 में क्या नहीं है जो 3 में है, ऐसा क्या है? तो दुकानदार कहता है बहुत बड़ी चीज है, 2 में 3 नहीं है. अब ये क्या मजाक की बातें कर रहे हो, 2 में 3 नहीं है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता, कोई ऐसा फर्क ही नहीं है जो वो बताए आपको, बस कंपनी ने निकाल दिया तो उसको तो बेचारे को बेचना ही है. तो ये तो बेकार की बात है ना, अब उससे उसका भी काम बढ़ गया इतना कि उसको सारे फोन अपनी शॉप पे रखने हैं, और सब क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर आया उसको ना मिले, तो सब कुछ रखना भी है. तो इन्होंने बड़ी सिंपल लाइन बोली, इन्होंने बोला सिंप्लीफिकेशन मींस टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी. ठीक है, आइए बच्चों उसको सीधा रीड करते हैं, और मैं रीड करते भी आपको एक एक वर्ड का मतलब समझा. सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लॉस वैरायटी साइजेस एंड डेफिनेशन. सुपरफ्लॉस का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से, बाहर बाहर से, मतलब कुछ है ही नहीं, फर्क ही नहीं है, सिर्फ नाम बदल दिया बस. It aims at eliminating unnecessary diversity in products. ये दोनों को मिला के आपकी definition बनेगी. Simplification of work is a technique which aims at eliminating unnecessary diversity of product. It aims at eliminating superfluous varieties and sizes and dimensions. दोनों को मिला के आपकी definition बनेगी. It results in saving of labor cost, machines and tools. आपकी labor की भी cost बचेगी, machines की भी cost बचेगी, और tools की भी. इस line को मैं समझाता हूँ. It results in reduced inventories. यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर. ये मैं आपको समझाता हूं. बच्चों अगर मैं एक डीलर हूं सैमसंग का, तो मुझे सारे फोन रखने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं ना रखूं.
ठीक है, तो मेरे को कितना ज्यादा इन्वेंटरी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं एप्पल का डीलर हूँ तो मुझे उसके वो जो जो मैक जो उसके मॉडल से वो रखने पड़ेंगे। तो अगर आप इतनी वैरायटी बना रहे हो तो आपकी इन्वेंटरी भी तो ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट तो वो कि अगर आप कम बनाओगे तो आपकी इन्वेंटरी भी कम हो जाएगी। इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट का क्या मतलब होता है। जैसे फोन बनता है तो उसका एक मोल्ड होता है, इसका एक मोल्ड बना जिसपे इसकी बॉडी बनती है। अब उस मोल्ड की ना लाइफ होती है कि एक मोल्ड 10 लाख मॉडल्स बनाएगा फिर वो खराब हो जाएगा। तो हमने मोल्ड बनवाया, मोल्ड बहुत महंगे बनते हैं, 1-1 करोड़ रुपए, 2 मतलब बहुत करोड़ों के मोल्ड बनते हैं। वो मोल्ड बनवाया और हमने प्रोडक्शन शुरू की, जैसे ही 3 लाख फोन बने हमने अपना ही कंपनी का एक नया वेरिएंट निकाल दिया, सैमसंग चैम 2। अब क्या हुआ, चैम 2 भी बिकने लग गया और चैम 1 की सेल्स कम हो गई और 10 लाख मॉडल्स बने भी नहीं और सैमसंग चैम 1 बिल्कुल ही आउट ऑफ द मार्केट हो गया। एक बात बताइए, क्या मैंने उस मोल्ड की कॉस्ट रिकवर की, क्या मैं उस मोल्ड की कॉस्ट रिकवर कर पाया जो कि 10 लाख यूनिट्स बना सकता था। ये तो ऐसा हुआ कि मैंने अपना ही कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया मार्केट में। देखो आप भारत वालों को तो नहीं रोक सकते, एटलीस्ट अपने आप को तो रोक सकते हैं कॉम्पिटिटर खड़ा करने से मार्केट में। तो प्लीज ये गलती मत करिए कि आप अपने ही वेरियंट्स निकाले जाते, ठीक है। मारुति की बात करो, अगर मैं मारुति का नाम दूं बेटा, मारुति भी अब ये गलती करिए। पहले अगर मारुति याद हो, मारुति एक गाड़ी निकालती थी और 4-5 साल तक गायब हो जाती थी रिसर्च में। अब क्या है, हर साल ही मॉडल निकाल रहे हैं। तो देखो कितने मारुति के ऐसे मॉडल है जो बिल्कुल नहीं चलते। एस्प्रेस्टो कभी देखी है, A4 मार्केट में आई थी, पता नहीं कब चली गई बाहर। तो ये मॉडल चल ही नहीं रहे क्योंकि लोगों को इसमें कुछ लग ही नहीं रहा। A4 निकाली, उसके 6 महीने के बाद उन्होंने रिच निकाल दी, तो लोग रिच ही लेना पसंद करेंगे, A4 क्यों लेंगे। तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में मत खड़ा करो, ठीक है ना। फिर आपको A4 बेचनी पड़ती है सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के साथ, 1 लेने पे 2 मुफ्त, ऐसे बेचनी पड़ेगी फिर आपको गाड़ियाँ। कि जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो आपको ऐसी ऐसी स्कीम देनी पड़ेगी कि इस गाड़ी पे 2 लाख की छूट है ले लो। तो आपको ऐसे ऐसी हरकतें क्यों करनी। तो आप कम बनाओ लेकिन सोच समझ के बनाओ, ठीक है। तो आइए, इट इंप्लाइज रिड्यूस्ड इन्वेंटरीज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर। तो उन्होंने लिखा है मोस्ट ऑफ द लार्ज कंपनीज लाइक नोकिया। अब बात देखो बच्चों, नोकिया वॉज द लीडर इन मोबाइल मैन्युफैक्चर, लेकिन अगर आपको याद हो कि पहले जब वो 90s में आया था तो उसका एक मॉडल ही चलता था और सबके पास वही मॉडल होता, सबके पास। फिर उन्होंने धीरे धीरे गलती की और हर महीने नया मॉडल निकालने लगे, हर महीने नया मॉडल निकालने लगे और देखो वो कंपनी ही टेक ओवर हो गई क्योंकि वो लॉसेस में चली गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये पहले का एग्जाम्पल लिखा है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक नोकिया, टोयोटा। मैं टोयोटा की बात करता हूँ बेटा, टोयोटा की 5-6 गाड़ियां आती है, लेकिन हर सेगमेंट की एक गाड़ी है। छोटे सेगमेंट की गाड़ी है, फिर मिडिल सेगमेंट की अपनी गाड़ी है, फिर उसके बड़े सेगमेंट की, फिर उस SUV भी है, सब है। अब वो अपने अपने सेगमेंट में लीडर्स है। ये ऐसे नहीं है कि हर सेगमेंट में 3-3 गाड़ियां निकाल दी। एक बात बताओ, टोयोटा की छोटी गाड़ी एक ही है या दो, एक ही है ना शायद, वो कौन सी है, मैं नाम भी भूल गया उसका। कौन सी गाड़ी है टोयोटा की जो छोटी है, कॉम्पैक्ट कार है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। वो ही है और 2-3 मॉडल नहीं है। तो आपने अपनी एक गाड़ी को मार्केट में निकाला और उसको मार्केट में अपनी जगह बनाने की का टाइम दिया। ये नहीं कि आप खुद ही अपने कॉम्पिटिटर्स खड़े करे जाए, ठीक है, एक्सेट्रा। बस आइए, समझ में आया आपको, दोनों में समझ आया। अब बच्चों अगर आपके सामने केस स्टडी आती है और आपको लगता है कि सर इसका आंसर सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होना चाहिए, तो आप कैसे लिख के आओगे? आप लिख के आओगे द टेक्निक हाईलाइटेड अबव इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क अंडर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। समझ में आया? आपको दोनों भी पूरा भी मेंशन करना है और आधा भी मेंशन करना है। और अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपका आंसर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क है तब भी आप पूरा लिख के आओगे, द टेक्निक आइडेंटिफाइड अबव इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क विच कम्स अंडर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। समझ में आया बच्चों आपको? अच्छा, इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। द ऑब्जेक्टिव इज यही, पहली दो लाइनें ही ऑब्जेक्टिव है, ये डेफिनेशन भी है, यही ऑब्जेक्टिव भी है। ओके बच्चों, आज हम रुकिए, मेरी अभी लीव मत करना, मेरी एक दो बातें सुन लो। आज हमने टेक्निक्स खत्म कर दी, हमारा प्योर टेलर के प्रिंसिपल्स भी खत्म हो चुके, ठीक है। आज का सिर्फ आपका होमवर्क 2 टेक्निक्स लिखनी है, ये लेकिन मुझे आज शाम तक ही भेजना है, सिर्फ ये 2 टेक्निक्स, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आपको याद करके लिखनी है। नेक्स्ट सैटरडे जो अब सैटरडे आएगा उसमें सुबह 11 बजे हम प्योर के प्रिंसिपल शुरू करेंगे। प्योर के 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, हम 4-4, 5-5 का टारगेट लेके 3 क्लास में प्योर के प्रिंसिपल को खत्म, ठीक है बच्चों। पेपर में किसी को भी कुछ भी पूछना है अभी नहीं, मेरे को शाम को, मेरे को आफ्टर 7-8 कॉल कर लीजिएगा, जो किसी को फोन करके कुछ भी पूछना है वो मेरे से ऑल ओके। आपका होमवर्क मुझे आज शाम तक ही, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, विल मीट ऑन सैटरडे 11 ओके, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना है तो रुक जाते।